हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ धृति को स्कूल से लेने के लिए। तो मैं अपर्णा भाभी के साथ जाती हूँ स्कूल हमेशा ही, और हम दोनों साथ में जाते हैं क्योंकि हमारे बच्चे सेम क्लास में पढ़ते हैं। तो हम लोग साथ में जाते हैं और अपने बच्चों को लेके आते हैं इसी स्कूटी से। और ये है मेरी अपर्णा भाभी, जो कि बहुत 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 अच्छी हैं, और ये आप सबको हाय कर रही हैं। और ये जो है धृति का स्कूल है, और ये बहुत ज़्यादा अंदर से ग्रीन है। यहाँ पे बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है बच्चों के खेलने के लिए, हालांकि हमारे बच्चे इतने छोटे हैं कि वो शायद इस प्लेग्राउंड में नहीं खेलते होंगे। और ये है माली भैया, जो गेंदे के फूल लगा रहे हैं यहाँ पर। हमने कहा एक दो गेंदे के पौधे हमें भी दे दो, तो कह रहे हैं दे नहीं पाएंगे। मतलब माली भैया भी ना इतने कंजूस हैं कि पूछो नहीं, हद होती है। और ये है यहाँ की दाई माँ। और ये रहा स्कूल और क्लास जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते। ये काफी बड़ा क्लास है छोटे बच्चों के हिसाब से। तो मैं आपको क्लास दिखाती हूँ, बहुत सुंदर और बड़ी क्लास है। और देखना, जैसे ही मेरी बेटी मुझे देखेगी ना, भाग के आएगी वो। हाँ, तो देखो वो आ रही है उधर से भागते हुए, दौड़ते हुए, मम्मा मम्मा करते हुए। तो ये रही, वो आ गई, आके मुझसे चिपक गई। और धृति मुझे देख के स्कूल में इतना खुश होती है। मैं तो बस उस खुशी में खुश हो जाती हूँ कि मेरी बेटी मुझे देख के कितना खुश हो रही है। और वहां पे टीचर हैं जो एक बच्चे को खाना खिला रही हैं, बोल रही हैं कि जब तक खाना फिनिश नहीं करोगे जाने नहीं मिलेगा। यहाँ पे सारे बच्चे टिफिन फिनिश करते ही करते हैं। और दूसरे बच्चे से मैम ABCD बुलवा रही है। कोई बात नहीं। और धृति और कृषि क्लास में भी एक साथ ही खेलते हैं, पार्क में भी एक साथ खेलते हैं। देखो लगे हुए हैं खेलने में। तब क्या? अरे बहुत जरूरी था। तो हम लोग निकल लिए हैं घर जाने के लिए। ये देखो ये सीढ़ियां उतर रही हैं, इनका बैग और बॉटल मम्मा ने लिया। और अब इसे बॉटल की याद आई कि बॉटल चाहिए। और अब ये कृषु के पीछे दौड़ते हुए जा रही है। और अब ये दोनों जो है उस चबूतरे पे बैठ के थोड़ी देर खेलेंगे। क्या बात रीति, क्या देखें? कौन सा है? ओके, मैंगो ट्री। कौन सा ट्री है? अच्छा। तो अब धृति और धृति का फ्रेंड जो है इतने बड़े आम के पेड़ में चुल्लू भर पानी डाल रहा है। अपना पूरा बॉटल ये लोग इसमें खत्म कर रहे हैं, हालांकि बॉटल में बहुत थोड़ा सा ही पानी था। तो अब बच्चे देखो कैसे सीखते हैं, क्या क्या बदमाशी। लेकिन पेड़ में पानी डालना तो अच्छी बात है। तो अब हम लोग एकदम स्कूटी के पास जा रहे हैं। बस बस आने का टाइम हो चुका है। इस समय जो है गार्ड भी बोलते हैं किनारे रहिए और जल्दी जाइए, क्योंकि बस आने का टाइम होता है। वैसे तो हम लोगों का घर स्कूल से बहुत दूर नहीं है कि स्कूटी से आना पड़े, लेकिन जो रास्ता है वो इतना उतार चढ़ाव वाला है कि हम लोग थक जाते हैं, तो इसलिए हम लोग स्कूटी से ही आते हैं। तो ये अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने घर। मेरा घर पहले आता है, भाभी का घर थोड़ा और आगे आता है। तब यहाँ पे हम लोग उतर जाएंगे और भाभी जो है कृषु को लेके आगे चली जाएंगी। और अब बाय बाय टाइम आ गया है, तो ये दोनों एक दूसरे को बाय कर रहे हैं। तब तक इन दोनों का एक और फ्रेंड आ रहा है पीछे से, और धृति जो है उसको देख के थोड़ा चिढ़ जाएगी। धृति के क्लास में जो एक और बच्चा पढ़ता है वो स्कूटी पे बैठ गया है, तो धृति इसलिए गुस्सा हो गई है। उसको लगता है वो उसकी जगह है और उसकी जगह पे वो फ्रेंड क्यों बैठ गया है, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है। पता नहीं इसको क्यों ऐसा लगता है कि आगे भी यही बैठ के जाएगी। इसको समझ नहीं आ रहा कि इसको यहीं उतरना है, इसका घर यहीं पर है। तो फिर मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में। तब तक मैं धृति को मनाती हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा रूठ चुकी है।